इसके अलावा भी एक्स्ट्रा हम फ्लू अपना जो पानी है वो पीछे टैंक के द्वारा स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट, अगर ये टैंक कहीं फंस जाता है तो इसके अंदर क्या लगा रखा है, सेल्फ रिकवरी बल्ली है, जैसे पीछे एक बल्ली दिखाई दे रहे हैं, ये क्या करती है, सेल्फ रिकवर कर सकते हैं उसको। इसकी मदद से हम इसको ट्रैक के नीचे लगाते हैं और कहीं भी दलदल में टैंक फंस गया तो हम इसको कैसे निकाल सकते हैं बिना किसी की मदद से। उसके अलावा इसके अंदर आगे देखोगे प्लेट लगी हुई है बॉडी वाली, अगर हमें क्या लगता है कि आगे हमारे आड़ नहीं है, जैसे हमारे आगे क्लियर बिंदु है तो हमने आगे आड़ बनानी है, तो एक सेल्फ लिकिंग प्लेट लगाई गई है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं एक आगे बंद बनाते हैं, जैसे JCP या अपना ARV वगैरह डोजिंग करते हैं तो डोजिंग करके आगे एक बंद बनाते हैं और अपनी आड़ खुद तैयार कर देते हैं। तो ये क्या पूरा सेल्फ है, टैंक को किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है ताकि हमें किसी से बचाव की, तो हर काम अपनी मर्जी से खुद कर सकते हैं। उसके अलावा इसके अंदर अभी साइटें लगाई गई हैं, लेटेस्ट साइटें आई हैं जो कि नाइट कैपेबिलिटी और डे कैपेबिलिटी, रात के अंदर भी हम 3 से 4 किलोमीटर तक क्लियर देख सकते हैं और फायर कर सकते हैं, किसी भी टारगेट को नाइट के अंदर बर्बाद कर सकते हैं। तो ये मोटा मोटा एक टैंक का थोड़ा जनरल डाटा था जो आपको बताया गया। अभी इसके बाद आपको इस टैंक के ऊपर क्या किया जाएगा, ड्राइविंग यानी के ऊपर राइडिंग कराई जाएगी, तो उसके अंदर आपने जो भी बच्चा ऊपर बैठता है उसका काम है तमाम बच्चे रस्से को पकड़ के बैठेंगे या किसी भी किसी चीज़ को हाथ पकड़ के बैठना है, बिना पकड़े हुए कोई भी बंदा नहीं बैठेगा और डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि आवाज़ आएगी थोड़ा शोर होगा तो उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, किसी को भी झटका या कुछ नहीं लगेगा, आराम से स्मूथली चलेगा और आपने स्मूथ राइडिंग करनी है इसके अंदर। और जैसे आपका पहले 15 बच्चे जाएंगे, 15 तीनों टैंकों के ऊपर जाएंगे बच्चे, उसके बाद जैसे वो नीचे उतरते हैं उसके बाद फिर दूसरी शिफ्ट जाएगी, ठीक है। और किसी को इसके बारे में पूछना हो टैंक के इसमें राइडिंग करवाई।